मिल्खा सिंह जी नमस्ते। आगे खोल के देखिए बाबा, सामने मिल्खा सिंह ना सिद्धू पाजी बैठे हुए हैं। बेटे मुझे पता है वो सिद्धू साहब बैठे हुए हैं, लेकिन मैं कैमरे में देख के कह रहा हूँ, मिल्खा सिंह जी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे ना, मैं उनको नमस्ते कर रहा हूँ। बस जी, मुस्तान जी, कियारा जी, मुस्तफा जी, कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। मैं धर्मेंद्र सिंह नकली, ये मेरा बेटा सनी सिंह नकली। ये क्या नकली क्या सरनेम हुआ? अच्छा, जब कामली सरनेम हो सकता है तो नकली नहीं हो सकता है क्या? हमने पूछा कि ये कपिल क्या सरनेम हुआ, तो मेरा सरनेम कपिल थोड़ी है। लेकिन जो भी है हमने पूछा तो नहीं ना। जाने दे बेटा, जाने दे बेटा, छोड़ दे इसको, छोड़ दे बेटा, जाने दे इसको, जाने दे, छोड़ दे, छोड़ दे बेटा। हाँ छोड़ दिया बाबा, छोड़ दिया मैं, छोड़ दिया। मुस्कान जी, मेरी आपसे कंप्लेंट है। बाबा, ये आप धोखा दे रहे हैं बाबा। यहाँ पर आने से पहले आपने कहा था कि आपको शिकायत है, अचानक यहाँ पे आने के बाद आप बोल। क्या हुआ? अच्छा छूट गया फिर। ए पापा, ए आप धोखा दे रहे हैं पापा। कंप्लेंट है। ए पापा, ये धोखे दे, ए पापा। कंप्लेंट है पापा। उधर देखिए, ये गलत बात हो गई पापा। क्या बढ़ाने से पहले आपने कहा था कि आपको शिकायत है, अचानक आप कह रहे हैं कि आपको कंप्लेन है। ये कंप्लेन कहां से आ गई? मेरा मूड बदल गया। भाई अब्बास मिसान जी, मुझे पता चला है कि आप लोगों ने मशीन बनाई है। जी। किस चीज की मशीन बनाई है? हमें दो दिन के लिए चाहिए थी। मशीन इनकी फिल्म का नाम है। अच्छा बाबा, लेकिन कमाल की बात है, ये वाले आइडिया हमें क्यों नहीं आते? इस तरह इन्होंने मशीन बना दी, अब तो प्रमोशन की भी कोई जरूरत नहीं है। थिएटर में डाल दीजिए, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। आप बताइए, मशीन को कौन रोक सकता है? कोई नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos. एक फोटो प्लीज, एक फोटो, एक फोटो ले लीजिए। बीस रुपया, 20 रुपीज। लेकिन लेकिन क्या क्या आज भी मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। हाँ जी, जहां से लाइन शुरू होती है मैं वहीं खड़ा था। हाँ जी, जहां से भी मेरे बाप है, बंगला है, गाड़ी है। बस 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 बस, मैं समझ गया, अभी लाता हूँ सर, अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। एक मिनट, इधर देखो, इधर देखो। अरे आप तो वही है ना, चार ऑप्शन वाले। और व्हाट, चार ऑप्शन क्या भैया? मैं तो शो का होस्ट हूँ, तो नमस्कार देवी और सज्जनों। सबसे पहले गेम को समझाता हूँ, गेम के रूल समझ लेते हैं। देखा, मेरा शक सही निकला, वही है। अरे एक मिनट अमित सर, यहाँ कोई गेम वेम नहीं है। तो मैंने क्या कहा गेम है? मैंने ये कहा गेम के रूल समझ लेते हैं। देखिए ऐसा है, रूल समझना बहुत जरूरी है। बिना रूल समझे कुछ नहीं होता। 100 के रूल के बारे में बात करें, अगर आदमी रूल फॉलो नहीं करेगा तो जिंदगी में कहीं नहीं जा सकता। क्या लास्ट को क्या शो में समझ नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा, चक चक ऐसा है।
जो रूल फॉलो नहीं करता वो आदमी सब नशे थे जान दो आगे बोल हाँ फिर जो आदमी शो में रूल फॉलो नहीं करता वो सड़क पे आ जाता है और जो आदमी सड़क पे रूल फॉलो नहीं करता वो कहीं नहीं जा पाता क्या बात है क्या बात है सर आई एम योर फैन आई एम जस्ट टोटली टोटली आई लाइक यू सर आपका तो ये शो करोड़पति है क्या इसमें से मुझे पति मिल सकता है बिकॉज मुझे हनीमून पे अकेले जाना पड़ता है प्लीज कैन यू भाई कमाल के पड़ोसी हैं आपके ये पड़ोसी नॉर्मली चाय पत्ती मांगते हैं पति मांग रही है वैसे एक मिनट आप आज बड़ी जॉली लग रही हैं थोड़ा थोड़ा एलएलबी हो जाए बच्चन सर मैं सरला और आज मेरा बर्थडे है इसीलिए आप यहाँ आए हैं कमाल है भाई पैदा होने के बाद भी इतनी हो हैं मजा किया For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos. ना सुर है ना ताल है फिर भी गाना गा रहे हैं ना सुर है ना ताल है फिर भी गाना गा रहे हैं शायरा कब का शुरू हो गया आप अब आ रहे हैं भाई एक मोटी सी बात है हाँ जी टाइम नहीं है जब से पॉलिटिक्स में हुई है एंट्री मैं क्या भाई टाइम नहीं है जब से पॉलिटिक्स में हुई है एंट्री मैं कहता हूं है नहीं टाइम टाइम नहीं है जब से पॉलिटिक्स में हुई है एंट्री मेरी जगह मदनलाल कर रहे हैं दिन रात कमेंट्री ठोको हेलो भाई हाउ आर यू माय फ्रेंड FIN. I am very, very pleased to meet the world champions. Thoko bhi thoko, thoko. That is Mr. Sidhu. This is Pidhu. Aap aaye bahar aayi. Aap aaye bahar aayi. Kya baat hai? Sunaye ghar late pahunchne ki wajah se us din aapne bhabhi ji ki daant khai. इसी बात को मैं कहना चाहूंगा हाँ जी कि आप आए बाहर आई आहा आप आए बाहर आई हाँ जी आप लगा तो लगा कार आई देखो भाई गड्ढा बन गया कुआं हाँ जी गड्ढा बन गया कुआं सड़क बन गई खाई सड़क बन गई खाई वाह वाह क्योंकि वहां पे इसने रस्सी पे कूद लगाई एक शेर अर्ज किया है मैंने जी जी कि जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए हैं वाह जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए हैं क्या बात है बैठ जाओ भी बैठने के लिए भगवान ने बम दिए हैं देखो भाई मैं कई बार इंसाफ के लिए लड़ा हूँ वाह मैं कई बार इंसाफ के लिए लड़ा हूं इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए खड़ा हूं बारे ऊपर वाले तेरी खुदाई बारे ऊपर वाले तेरी खुदाई है जब तीन तीन इंजेक्शन लगे ना खड़े रहने में भलाई है भाई देखो जी भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाओ क्या बात है क्या बात है और मतदान जरूर करें ये तो कोई शेर बना ही नहीं कोई बात नहीं शेर नहीं बना कभी कोई मैसेज भी कोई चीज होती है हर बात नहीं शेर मेरे को बहुत बातें आती हैं बहुत कुछ आता है मेरे को मैं तो कहता हूँ आधा घंटा जब मैं भागता हूँ मेरे को पसीना भी बड़ा आता है बहुत कुछ आता है वो तो पांच मिनट भागो तब भी आता है मेरा पसीना कंफ्यूज हो जाता है ना मैं कब आऊँ क्योंकि उसको पता नहीं चलता मैं पॉलिटिशियन को आऊँ क्रिकेटर को आऊँ कमेंटेटर को आऊँ इसलिए भाई बात की गहराई को समझो
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos. डॉक्टर साहब, ये क्या बन के घूम रहे हैं आप? ये क्या है? बताइए बताइए. और ये मिर्च मुर्च क्यों लगा रखी? सब्जी के साथ फ्री मिलती है ये. ये क्या बन के घूम रहे हैं आप? भाई क्या सवाल पूछा है, मैं क्या बन के घूम रहा हूँ? हर बार मैं कुछ ना कुछ बन के आता हूँ, लेकिन तुम्हारी बात सबसे सेम ही रहती है हमेशा. समझ आई? कुछ योगा करो, तुम्हारे दिमाग में कोई नई बातें आए क्या? बन के घूम रहे हैं यार. फिर तो आपको बिल्कुल योगा नहीं करना चाहिए. वो क्यों? क्योंकि नई बातें आएंगी, लेकिन आएंगी कहाँ? दिमाग आपके पास तो है नहीं. नई बातें दिमाग में आए. तू मुझसे पूछ रही थी ना भी जल्दी जल्दी अपना वेट कैसे लूज करना है, हल्का कैसे होना. हाँ, मैं तुमसे भी वही पूछ रही थी, बताइए. मैंने ढूंढ लिया तरीका. हाँ? यहाँ बाहर तालाब है ना. हाँ? उसके अंदर तू शीर्षासन कर 5 मिनट तक, प्राणायाम शुरू कर दे, फिर 5 मिनट में तू हल्की होकर तैरेगी. इतनी हल्की हो जाएगी. मान मेरी बात, चल भाग यहाँ से. भागूं क्यों मैं, चल के जाऊंगी. ये कुछ भी बोलती. What a healthy day, Paripanna ji. Myself, Dr. Mashur Gulati, MP. MP क्या? MP नहीं पता, बताओ. आजकल महापुरुष, महापुरुष. आजकल MP का कम पता है, NPA का ज्यादा पता है. NP मतलब Non Performance Account, NPA. NPA. हाँ. वो तो हमारा चल ही रहा 3 साल से. हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके साथ, बड़ा अच्छा लग रहा है. बट मैं एक फ्रैंकली आपसे बात करना चाहता हूँ. आई एम ए वेरी फ्रैंक पर्सन, इफ यू सी. सिद्धू साहब को पता है? बहुत, बिल्कुल. मुझे आपसे शिकायत है. किस बात की? पूछो क्यों. हाँ. नहीं पूछना. जब मैं पैदा हुआ था ना, तब मेरे माँ बाप भी तैयार नहीं थे, लेकिन मैं पैदा हो गया क्योंकि मैं तैयार था. ओके. मैं नहीं परवाह करता किसी की. तो निकले आप कौन सा ढंग के हैं? आप खराब ही ना, आपको डॉक्टरी आती ना. मैं तुम्हें जवाब ही नहीं दूंगा यार, तुम अगली बात सोच के रखते हो. फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू कि शिकायत मेरे को क्या है. आपने योगा वगैरह शुरू किया, ठीक है, अच्छी बात. हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं हमारे, तो इस चक्कर में मेरे को भी योगा गुरु बनना पड़ा. कपड़े सिलाने पड़े, ये सब लगाना पड़ा. योगा सीखा भी है आपने कि जैसे डॉक्टर बने थे वैसे योगा गुरु बन गए आप? बहुत अच्छा. योगा सीखा कि योगा बिना सीखे, मैं योगा के चक्कर में मेरी पीठ पे निशान पड़े हुए हैं. मैं आपको बताऊं योगा का कौन सा निशान होता है? होता है, तुमको नहीं पता है, हमको पता है. वो टांग को ऐसे मरोड़ के ना, जबरदस्ती उन्होंने, मेरे कुछ लोग थे, उन्होंने ऐसे मरोड़ा टांग को, इधर से निकाला, पीछे हॉकी से मसाज करी उन्होंने. मसाज नहीं, वो पिटाई हुई आपकी. आपके गलत ऑपरेशन करते हैं आप. मुझे भी पता है, लेकिन अगर बात करो ना कि मसाज हुई तो लगता नहीं है फिर कोई मतलब प्रॉब्लम है. बाबा जी, मैंने योगा शुरू किया. मैं चाहता तो जिम भी खोल सकता था. हाँ, बहुत अच्छा काम किया आपने. मैंने नहीं खोला. पूछो क्यों? नहीं पूछना. हाँ. आप बाबा जी के स्पोक्स पर्सन हैं जो उनके बिहाफ पे आंसर दे रहे हैं. नहीं पूछना, नहीं पूछना. बाबा जी बोलेंगे ना. हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको. हाँ. कि मैंने एक सर्वे किया. अच्छा. 10 लोग मैंने जिम में भेजे, 10 लोग मैंने भेजे योगा करने के लिए. तो आपको पता सबसे ज्यादा खुश कौन लोग थे? जो बेड पे उल्टे होकर फेसबुक पे चैटिंग कर रहे थे. आपने कहाँ से सीखा डॉक्टर साहब योगा वैसे? मैंने, अरे बाबा जी से खुद सीखा है मैंने योगा. अच्छा. या वो जैसे एकलव्य ने सीखा था ना. ओ. उसी तरह मैंने आपकी फोटो लगाई और योगा सीखा. एकलव्य ने तो अपना अंगूठा दे दिया था अपने गुरु को. आप एक उंगली दे दो उनको काट के. बाबा जी क्या करेंगे मेरी उंगली का? वो तुम्हारी तरह नहीं है कि उनको हर बात में उंगली करने की आदत है. समझ आए? एक काम करो, आप बाईं तरफ वाला सर काट के दे दो. सर तो मैं दे दूं बाबा जी के लिए, मैं सर दे दूं, लेकिन फिर मैं शीर्षासन कैसे करूं? आपको आता है शीर्षासन? बहुत अच्छे से आता है, पर बाबा जी और मेरे शीर्षासन में एक फर्क है. क्या? बाबा जी क्या अकेले शीर्षासन करते हैं, मेरे को 2 लोग लगते हैं. पप्पू चिन्नू इधर आ, मैं अभी करके दिखा देता हूँ. आओ जी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ. बाबा ये पागल डॉक्टर है, खुद की शराब इसकी छूटती नहीं, लोगों को क्या योगा कराएंगे? अरे शराब पीते हैं तो इसका मतलब योगा नहीं कर सकते? या कमाल की बात कर रहे हो. इसका मतलब जो घोटाले करते हैं, जो अनपढ़ है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते. ये तो फिर कानून चेंज करने वाली बात होगी ना देश का.
देखा क्या देखा आपने हंसी मजाक में मैं कैसे बड़े बड़े मुद्दे उठा देता मैं भाई आपको शीशा सुन करके दिखाता हूँ पप्पू चुन्नो कितने मर गए आजा भाई इधर आजा क्लासिकल गाना नहीं गा रहा हूँ मैं शीर्षासन कर रहा हूँ आपकी इजाजत हाँ आशीर्वाद ये क्या पहना हुआ आपने वो मेरा डांसिंग का प्रोग्राम रहता ना शाम को तो मेरा तो शीर्ष ही नीचे आ गया भाग यहाँ से For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos. आपको सबसे पहले सुपरस्टार बनने में बधाई आप एक बात बताओ जैसे अभी आप इतने पैसे कमाने लगे हो वेरी गुड अच्छी बात है तो अभी मम्मी पापा को पॉकेट मनी देते हो मतलब पढ़ाई में भी इतने तैयार हो जितना डांस में हो पूछना मत पूछना मत कुछ मतलब पढ़ाई में तैयार है पर पूछना मत कुछ हाँ कभी ऐसा हुआ सच सच बताना कि आपको सब लोग पहचानते हैं पहले से आप कितने सारे शोज करते हैं आप मुर्गे बने हो क्लास के बाहर और ऊपर से आपको कोई फैन आ जाए कहीं आपके साथ सेल्फी लेनी तो कभी आपने ऐसे करके सेल्फी खिंचवाई है कभी नहीं ऐसा बोरिंग सवाल क्यों पूछ रहे हो कुछ अच्छा सा पूछो आपके शो में आए हैं हम अच्छा एक बात बताओ बेटा देश में जो ये डिमोनेटाइजेशन चल रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार है हैं मैं जब बच्चों वाले सवाल पूछ रहा हूँ तो मेरे को पूछने नहीं दे रहे कहते अच्छा सवाल पूछो दीपाली बताओ सैराट का कौन सा वाला डायलॉग बोलते हो आप अच्छा वो वाला हाँ आपको यहाँ आना पड़ेगा अच्छा मैं आ जाता हूँ चलो हाँ फिर कोई तो एक्शन बोलो एक्शन ए मंग्या सोड डला मराठी सांगितलेलं कळत नाही इंग्लिश मध्ये सांगू सोड मंग्या इकडे ये रे तू पुन्हा त्याला हात तर लावून बघ की नाही तुझं थोबाट फोडलं तर नावाची अर्चना मला काय करायचंय तू पुन्हा त्याला हात तर लावून बघ की मला काय करायचं सांगते मी इंग्लिश मध्ये आय चेन्नई एक्सप्रेस हा चाललाय पुढे हो माग 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 आलं सावलं तोंडाला हो माग बाकी है रुको रुको सारी सारी चल लाडक्या बरं डोळे सकून पडलं रे रित आता बघितलं ना निघ बाहेर आता मी थेट शेतात चालल्या एकटीच चालल्या हां चल येऊ का आता मुलगी शिकली प्रगती झाली ठीक बोला मैंने झाली झाली नाही अरे बेटा माल का टॅलेंट आहे योगेश आप भी शक्ति कपूर साहब की एक्टिंग करते हो हाँ बैठो मत बैठ आ जाओ हाँ आज तेरी बैंड बजा रहे हैं तो जो मैं करूँगा वो करना हाँ अच्छे से करना हाँ सांस नहीं फूलना चाहिए क्या नहीं फूलना चाहिए सांस फूलना नहीं चाहिए नहीं फूलता कोशिश करूँगा तो ये करो ये नहीं ये ये क्या होता है ये थोड़ा थोड़ा नीचे और ये लेना ये ये नहीं तो अब एक्सप्रेशन भी साथ में होना चाहिए देखना दादा 5 6 7 गो कोई और बात करते हैं आज कोई और बात करते हैं यार ये कमाल का टैलेंट है एक्चुअली सुपर्ब इतने कॉन्फिडेंट अपने काम में मास्टर प्यार हो गया मुझे आप तीनों से बहुत ज्यादा पर आपको पता पाजी हमारे शो के बड़े कैरेक्टर्स को कॉपी करते हैं अच्छा यदि हम आपसे रिक्वेस्ट करें आप हमें करके दिखाओ तो करके बताओगे आप हाँ। हम आपको पूरा गेटअप देंगे ठीक है चलो जी आओ फिर अच्छा।
कैफे आप सब हाय डू यू मुझे तो जानते ही होंगे आप आई एम अश्वर गुलाटी आई एम ओ का मतलब इतना भी नहीं जानते क्या आई एम ओरिजिनल चंदू तुम्हारी चाय की शिकायत बहुत आ रही है थोड़ा चाय टेस्ट कर रहा हूँ मैं ज्यादा ही भर गया थोड़ा घपला है पर चलेगा थोड़ा दूध मिलाना पड़ेगा चलो ठीक है अच्छा है ऐसे दुकान लगाते रहो डॉक्टर जी पैसे वो मुझे नहीं चाहिए वो तुम ही रख लो देना नहीं हूँ मांग रहा हूँ थोड़ा मेहनत करो हाथ पैर चलाओ तो सब मिलेगा बेटा ऊपर वाला सब देखता है डॉक्टर साहब मेरा पैसा दो नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं तूने मेरे भाई को लगा मुझे ये बात बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है ये तेरी चाय के तरीके सब फेंक देनी है ये लड़ाई करना तुम दोनों को शोभा नहीं देता अरेरा जब बड़ों बोलते हैं तो बड़ों के बीच में बात नहीं करना होता है मैं तुम दोनों बड़ों को दही में डाल के दही बड़ा बनाऊंगा मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है ठोको ताली ठोको अरे आप लोग सब झगड़ा करना बंद कीजिए शोभा नहीं देता आपको झगड़ा करना वैसे शोभा तो हमारे जिंदगी में भी आई थी बड़ा एटीट्यूड था उसमें बड़ा एटीट्यूड था ओके बैड नंबर 3 का पेशेंट मेरा वेट कर रहा है ठीक है मैं चलता हूँ अरे भाई गुड न्यूज मैंने बेड नंबर 3 का पेशेंट ऑनलाइन भेज दिया है क्या मतलब छोड़ना नहीं है अरे 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 मेरे पैसा अरे भाई अरे भाई ये सब सुपर टैलेंटेड बच्चों के लिए जोरदार तालियां इधर आ जाओ इसे मत लो मेरे से लो चाय गिर गई चाय गिर गई तो उठा दो उसे पैसे नहीं मिलेंगे बेटे मैं एक बात कहता हूँ मुझे तुम हम सब लोग बड़े पसंद आए बहुत ज्यादा और तुमने सबने 1990 का जिक्र नहीं किया इसलिए मुझे बहुत ही पसंद आए तीनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां आ गए बच्चों आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया आओ मेरी नानी अंदर ना आपके लिए चॉकलेट केक बना रही है मैं आपको खिलाता हूँ आ जाओ शाबाश जल्दी फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज सिटी केबल में आप सबके इस्ते का आपके हिस्से का बाल है इस्ते का बाल है सिटी केबल में आप जो है वो है मतलब जो भी बोलते हैं वो है इस्तकबाल हाँ इस्ते का बाल इस्तकबाल हाँ इस्तकबाल है जो भी होता है वो है मतलब आप समझ जाएं तो वेलकम इंग्लिश से बात में वजन आता है सो आई वाज टेलिंग कि आज मुशायरा ए मुकाबला होने जा रहा है हमारे जिन दर्शकों के पास टीवी नहीं है उनके लिए खुशखबरी है कि आज के इस प्रोग्राम की डीवीडी आएगी सिर्फ 5 रुपए में लेकिन कंडीशन अप्लाई वो डीवीडी सिर्फ हमारे डीवीडी प्लेयर में ही चलेगी और वो डीवीडी प्लेयर जो है वो सिर्फ हमारे टीवी पे ही चलेगा घूम फिर के वही आ गए आज मुकाबला है शारी जिसमें एक तरफ असली है और दूसरी तरफ डुप्लीकेट वो भी थर्ड स्टैंडर्ड के डुप्लीकेट आएंगे पहले मुशायरे की शान घटाने के लिए सबसे पहले इन्वाइट करूंगा जानू मलिक जी देखो भाई देखो देखो बात सुनो मेरी बात सुनो मैं जानू मलिक आग लगा दूंगा आग भाग डीके बॉस भाग आग लगा दूंगा आग बहुत अच्छा आपने बोला है बहुत अच्छा भी लगा है आपकी आंख में कुछ लगा है आपने किया दगा है आपकी क्या मेरे मुशायरे का होस्ट बनने की यही सजा है आपके यहाँ दो और लोग की जगह है
खाली जगह में बड़ा मजा है। अब दूसरी डुप्लीकेट जो है उनके लिए जोरदार तालियां मत बजाना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्लीज वेलकम सुनो निगम। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार फना जी, नमस्कार, कैसे कैसे आप जी, नमस्कार कैसे आप सब जी। वाह 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 वाह, मैं जरूर करता अगर असली सामने ना होते। बैठिए। देखिए बाबा मत कीजिए, बच्चे एंकरिंग कर लीजिए, वही बात है जी। खैर अब हमारे बीच आ रहे हैं डुप्लीकेट शायरा तारा खान। चाल देखो उसकी। मैं तुम्हें बताऊं ये तारा खान कब लग रही है, सरोज खान। मैंने भी यही कहा। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? ऑटो में ऐसे ऑटो से उतर के कोई भागता है क्या? 250 रुपए का किराया देना था, मुझे पकड़ लिया, 250 रुपए की मार मुझे अकेले को खानी पड़ी। अब मैं इधर आ गई हूँ, मैं एक एक की छुट्टी कर दूंगी। पहले ये स्कूल में घंटी बजा के छुट्टी करती थी, इनकी आदत नहीं गई, तो आप अपने हिसाब से जगह देख के बैठ जाइए। ऑलरेडी बैठ चुकी है। हर बार शेयर नहीं होती है जो वेट कर रहे हैं। जल्दी शुरू करो। आई एम द रियल वन। ये कोरियोग्राफी इनको नहीं आती है, मुझे आती है, मैं करती हूँ। कोरियोग्राफी आपका है? इनको वाकई नहीं आती कोरियोग्राफी? अभी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि मतलब कोरियोग्राफी ऐसे गाना मुश्किल नहीं, मुश्किल गाना इजी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं अपने, क्यों ठीक से? गाने के ऊपर कोरियोग्राफी सब लोग कर लेते हैं, मैं शायरी के ऊपर कोरियोग्राफी करती हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए ये तो कुछ नहीं है, जब दो लोग शायरी कर रहे हो तो बीच में इस तरह गाना नहीं गाते। दो लोग कौन? अनु और मालिक। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ये सब गाने पे कोरियोग्राफी पुरानी हो गई, मैं शायरी पे आजकल कोरियोग्राफी करती हूँ, ये नया स्टाइल है। चलिए मैं एक शेर कहूंगा आपको, उसके ऊपर स्टेप्स करने हैं। नफरत की राह में फूल खिला देंगे, आग लगा देंगे। आग बाद में लगाइएगा। आग बाद में लगाइएगा, पहले पूरा शेर सुनिए। सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं, बड़े प्यार से समेटा किसी ने। वाह। सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं, बड़े प्यार से समेटा किसी ने, बाद में आग लगा दी। एक बात ये काफी रद्दी बिल्कुल नहीं मिला है। हमने ताली हमारे लिए बजाओ। और एक बात है, सोई हुई किस्मत जगा दूंगा आग लगा दूंगा। अगर मेरे पास माचिस हो तो तेरी शायरी को आग लगा दूंगा। ये बहुत आग लगा रहे हैं, इनकी मैं शायरी को आग लगा दूंगा। आग बुझा देता हूँ थोड़ी सी इनकी, मैं ठंडा रहे आप। देखो आग बुझा दी। क्या बात है, आग बुझा दी। इसी बात पे एक दो लाइनें। तेरी आग की झाग, चल भाग। चलिए तराजी आप मेरे शेर पे स्टेप करके दिखाइए। हाँ बताइए। तो रुकिए तो सही आप। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। पता नहीं चल रहा रजाई में हवा किधर से आ रही है। बहुत अच्छे। आग रजाई में आग नहीं लगानी, प्लीज। हवा आ रही है सिर्फ, अंदर सो रहे हैं आदमी, रजाई में आग नहीं लगानी। ठीक है मैं बताती हूँ। आप करिए। मैं बताती हूँ, पता नहीं, अभी पता क्या होता है, एड्रेस। पता नहीं हमारी सन्स, ये सन हो गया,
अभी क्या है, इस गाने में कृति सैनन है तो सांस के साथ कृति लगाएंगे, संस्कृति बनती है। बहुत तो पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। ये क्या कर रही हैं आप? अरे रजाई के अंदर हवा आ रही है, ठंड तो लगेगी ना। इसे कहते हैं शायरी पे कोरियोग्राफी। देखा, आप बैठिए मत, फिर आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। सुनो निगम जी, मैं चाहूंगा कि आप कोई शायरी ट्राई कीजिए। वो आए पहलू में बैठे फिर उठे, फिर बैठे फिर उठे, फिर बैठे फिर उठे, फिर बैठे फिर उठे, फिर बैठे उठे। ना ना, ये पहलू में मुझे बैठना ही नहीं है। इतना उठना बैठना, इतना तो पूरे इंडस्ट्री में ही मेरा उठना बैठना नहीं है जितना इन्होंने पहलू में बैठा के उठा दिया। मैं नहीं बैठने वाली है, पहलू में बैठना ही नहीं है। कोरियोग्राफी कैंसिल कर रही हूँ मैं नहीं करना ही नहीं है। कोरियोग्राफी बंद कर दी, कोरियोग्राफी बंद। बंद हो गया, कितना बंद करोगी? बंद हो गई। देखिए मैं कह रहा हूँ बंद मस्का मंगाया जाए थोड़ा चाय हो जाए। मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए। चलिए दीपक जला के मुशायरा शुरू करते हैं। दीपक, मैंने नई गाड़ी ली है, दीपक जल रहा है, चलिए। मुशायरा शुरू करते हैं। मुशायरा। बिमला ने झाड़ू मारा कमला के घर, तब तो घर साफ हो गया होगा। बिमला ने झाड़ू मारा कमला के घर, कमला ने झाड़ू मारा बिमला के घर। ओहो, टिट फॉर टैट, दे आर मेड फॉर ईच अदर। तो वो कह रहे हैं कि जला दूंगा आग लगा दूंगा। हाँ तो लगा दो, आग लगा दो, हर जगह हर तरफ आग लगा दो। आई एम ऑलवेज ऑन फायर। एक फराजी के लिए मैं शेर सुनाना चाहूंगा। गुलाबी होंठ, वाह, गुलाबी होंठ, गजब की आंखें, वाह, सिल्की बाल, क्या सितम ढा रही हो? लगता है अभी अभी ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ रही हो। वाह, आ गए हैं यहाँ फालतू कैसे कैसे। वाह 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 वाह, शेर नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो पहला राउंड हुआ खत्म। ओरिजिनल्स ने 2-0 से बढ़त बनाई हुई है जी। आप सुनो निगम जी, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा, असरी जी ध्यान दीजिए कि ये मुशायरा शुरू हुआ था लेकिन अच्छा नहीं हुआ। लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तमीज रखो थोड़ी। देखिए ये हमारी गलती है, हमने बहुत ज़्यादा सस्ते डुप्लीकेट मंगा लिए, तो मुशायरा बहुत ज़्यादा गंदा और हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। तो आप मुशायरा, ये एंगर भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है यहाँ पे। चलिए यहीं पे मुशायरा खत्म होता है, निकलिए अपने अपने घर। चलिए 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 यहाँ, चलिए चलिए यहाँ। हेलो, एक बार फराह खान, सोनू निगम और अनु मलिक साहब के लिए जोरदार तालियां। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश, वो कहलाएंगे त्रिदेव, 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 त्रिदेव। मैं हूँ बाबा, बाबा ब्लैक शिप वाला बाबा नहीं।
बाबा कालीचरण, मैंने सबकी मुरादें पूरी की हैं, रजा की मुराद भी मैंने पूरी की, उसके बाद वो रजा मुराद हुआ। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षा देवे। ओ जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो, पहले मेरा मूड बड़ा खराब है। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हारा मुंह भी खराब है, दोनों मैच हो जाएंगे। भिक्षाम दे। ओ बाबा, आप मुझे जानते नहीं हो, मैं बता रहा हूँ आपको। नानी ने तुम्हारे 6,000 रुपए देने हैं, सिद्धू जी ने 1,200, रमेश कुमार ने 1,300, टीचर ने 1,400, और हम कुछ जानते नहीं। बाबा जी, बाबा जी, आपको ये सब कैसे पता? तू गुटली खा, आम गिनने से मतलब मत रख। बाबा जी, आपने कहावत गलत बोल दी है, सही कहावत ये है कि तुम आम खाओ, गुटली की तरफ क्यों देखते हो? बेटे अपनी औकात के हिसाब से बात करो, तुम्हारे हिस्से में जो आ रहा है वो खाओ और दबा जाओ यहाँ से। बाबा जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ। ओहो हो, मर्द भी उम्मीद से आने लगे। ओहो, तुम गलत जगह पे आए हो, चलो हॉस्पिटल जाओ, जाओ जाओ जाओ। ओहो बाबा जी, अब बात क्यों नहीं समझ रहे, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 30 साल। तो 30 साल और रुक जा, तू 60 का हो जाएगा। बाबा मेरी बात सुनो, तुम मुझे कोई ढोंगी बाबा लग रहे हो। मूर्ख, हम ढोंगी बाबा नहीं, हम बहुत पहुंचे हुए हैं। कल तुम इधर थे, हम तुम्हारे घर पहुंचे हुए थे। अच्छा बाबा जी, ये हाथ देखो खाली है। खाली है। चाय पिलाओ फिर। हाँ चाय पिलाता। देखा, बाबा ने चाय पी, सारी केतली खाली। मूर्ख, हमें ढोंगी बता रहा है, ये देख क्या है। ये हाथ है, वो भी खाली। आंखें बंद करो, अब आंखें खोलो। बाबा जी अभी भी तो खाली है। झोपड़ी के केतली देखो। बाबा जी ये चमत्कार कैसे हो गया? बाबा बस जी ये चमत्कार, अभी इस चाय को जाके बेचो, धंधे में तरक्की होगी, चलो दफा हो जाओ। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। हाँ हाँ, बाबा जी की जय हो। वाह बालिके, बहुत अच्छे गहने पहने हैं तुमने, अति सुंदर। आपसे मतलब? मतलब मतलब मत करो, मतलब ही औरत। अभी जाके हम डॉक्टर को बता देंगे, तुम उसकी बेटी के गहने पहन के जा रही हो। आपको कैसे पता, आप कौन हो? हमें तो ये भी पता है, तुम आईपीएल में एंकरिंग करती हो। आईपीएल भी देखते हो? हम तुम्हें देखते हैं मूर्ख, आईपीएल हम क्यों देखेंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं ये पार्टी जा रही हूँ, इसलिए मैंने पहन लिया, मैं वापस दे दूंगी। पता नहीं ना मेरे पास ऐसे वाली ज्वेलरी कब आएगा। मेरे हाथ देख लो। ओहो, लड़कियों को भी हाथ ही देखने होते तो हम बाबा बनते। मतलब? मतलब मतलब बहुत करती, मतलब भी औरत, तुम्हारा हाथ बहुत खुश्क है, ले लो, हम तुम्हें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, ये लो, इधर लो, फटाफट लाओ, फटाफट, चलो 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 चलो, चलो शाबाश, मल्लो 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 मल्लो, फटाफट। ये बहुत ज्यादा है, मैं वॉश कर रही हूँ। खबरदार तेल वेस्ट किया, इधर आओ, इधर हमारे कंधे में बड़ा दर्द, सुबह से आशीर्वाद दे दे के हाथ थक गए, इधर थोड़ा सा गिव मी मसाज, कम कम कम। एक्सक्यूज मी, व्हाट? I said, excuse me. Me too, whatever, forever. I will be your forever. आपको इंग्लिश भी आती है? मुझे तो फ्रेंच भी आती है, लेकिन फ्रेंच में दो ही चीजें आती हैं, फ्रेंच दाढ़ी और फ्रेंच टोस्ट। मुझे लगा कि आप किस बोलेगा। किस? ओह, मुझे यही पता करना तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, किस? ओह। ये तो आपका हाँ क्यों ऐसा उठाकर? ये ऐसे परमानेंट रहता है, जैसे लड़कियों को ऐसे अगर तो पटकी तो हाय है, नहीं तो यहीं से भाई। तो आपको हमारी हाय पसंद आई? सुनो, मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो मैं भी किसी और ही हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे मामा का बेटा हूँ, मैं भी, मुझे भी पराया समझो। बाबा सुनो ना, मेरा सपना भी है ना। क्या? मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसके लिए तुम्हें आशीर्वाद चढ़ाना पड़ेगा। इधर लाओ हाथ। एक घंटे तक आशीर्वाद चढ़ जाएगा। ये कैसे चढ़ सकते हैं? ये चढ़ सकते हैं, क्रेडिट चढ़ सकते हैं, ग्लूकोज चढ़ सकता है, तो आशीर्वाद क्यों नहीं चढ़ सकता है? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से भारत तरक्की नहीं कर रहा। भारत बीच में कहां से आया? वाह, मुगल भारत आ गए, अंग्रेज भारत आ गए, ओबामा भारत आ गया, सब भारत आए, भारत कहीं ना जाए। लेकिन 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 कुछ नहीं, भारत माता की जय। पापा क्या हुआ? तुम पर आपत्ति आने वाली है, सारे गहने उतार के हमारे थैले में डाल दो। सच में आपत्ति आने वाली है? ओ, 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 हुर, हुर, ये भी? ये सब कुछ? हाँ। लॉटरी
तुम वहाँ क्या कर रही हो? इसको समझाओ, कितनी देर से खड़ी, कुछ कर ही नहीं। जाओ अंदर जाओ ना, मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। एक तो ये एक डॉक्टर और उसकी सिरिंज जैसी बेटी के साथ मैं परेशान हो गई। For more updates, subscribe to our channel. शर्माओ मत, अपने लोगे भाई, घर के लोगे, आओ ना। अच्छा अच्छा, पहली बार आ रही हूँ ना, एक सेकंड, मैं जरा दही खिला के मुंह जरा मीठा करा दूँ, शुभ होता है ना। दही खाओगे बिट्टू? मुंह खोलो बाबू। ये दही भी मत खिलो। क्यों भाई? दही से पूरा उतर जाता है मेरा। दवा 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 का असर उतर जाता है। जी जी, है ना, दवा की बात कर रहे थे। ज्यादा कवर मत करो, लोगों को मालूम है मेरे बारे में। कैसे भाई? माइजल बाबा। आई नो, माइजल बाबा, माइजल बाबा, भाई माइजल बाबा। इतने बड़े बच्चे का नाम बाबा कैसे रख दिया? इतने बड़े बच्चे का नाम बाबा रखा नहीं है, बाबा पड़ गया मेरा नाम। एक्चुअली इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। अच्छा, स्टोरी शुरू होती है वहां से, मतलब बोलू ना मैं? सब सुनाओ, आई लव स्टोरीज। हाँ सुना दो, तो सुना दो, पैसे संभाल के। तो स्टोरी शुरू होती है, मेरा नाम बाबा काय को पड़ा। बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं थोड़ा मतलब ऐसा खाना नहीं खाता था। लोग बोलते थे खाना खा ले, खाना खा ले, मैं बोलते थे मैं नहीं खाऊंगा। तो मेरे को बोलते थे अरे खाना रे बाबा। मैं झूठ गाय को बोलने का, पढ़ाई में बचपन से ही वीक था मैं। ये तो है, आई नो। तभी तो विद्या मिली। तभी तो एग्जाम। पढ़ाई में वीक था तो टीचर लोग भी पढ़ा पढ़ा के थक गए और उन्होंने भी बोला रे कैसा बच्चा है रे बाबा। और हाइट तो तभी हुई जब मैं टैक्सी में से जा रहा था और वो पैसे मांगने आते ना लोग, काज नीचे किया तो मेरे को बोलते हैं ऊपर वाले के नाम पे कुछ देना रे बाबा। तब से मेरा नाम बाबा पड़ गया, किसी ने रखा नहीं। तब भाई साहब करते क्या हैं आप? मैं वैसा मतलब सच बताऊंगा? नहीं नहीं, जो यू डिसाइड जो बता। हाँ, मैं वो देखता हूँ, वो बोलते हैं ना टीवी। नहीं टीवी नहीं, अपना तुम्हारा आगे क्या होएगा, तुम्हारा पीछे क्या होएगा, भविष्य भविष्य। अच्छा भविष्य भविष्य। हाँ वही वही, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी। हाँ एस्ट्रोलॉगर। और मेरा खासियत ये है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो बोलने के बाद वो सच होता है। मतलब अपना एडिक्शन एकदम परफेक्ट है। एडिक्शन ही प्रेडिक्शन। हाँ वही जिजिक्शन। तो देखिए कल रात को पार्टी कर ली थी तो थोड़ा सा हैंगओवर है अंदर। हाँ यार कल तो मजा आ गया। ये तुम तीनों आए क्यों नहीं रे? तुम लोग उधर आके जल्दी चले गए। जैसे ये लोग गए उधर इतना मजा आया मेरे को। अनिल, अनिल क्या नाचा है। कौन अनिल? टेबल तोड़ दिया उसने। अनिल कौन? अपना वो सोनम का पप्पा। पार्टी थी किसकी? पार्टी हाँ पार्टी वो उसकी शादी हो गई ना, वो तीन नाम वाले की उसकी। तीन नाम वाला कौन? तीन नाम वाला वो नील मिदिन निर्देश। नहीं नहीं नहीं, अरे नील नितिन मुकेश। तो वही बोला मैं, नील मिदिन निर्देश। अरे रेमो सर बताएंगे मेरे को अभी। हाँ बताएंगे। अरे नीम की निजी जी बोल, क्या बोलो आप बोलो। नहीं बोलो नील। हाँ
नील नितिन मुकेश हाँ तो मैं नील नितिन मुकेश वही तो वही हो गया भाई एक मिनट आप बताइए वही मैं बताइए अभी वही वही भी बोलेगी मेरे को बोल बताइए नील हाँ नितिन मुकेश अच्छा ऐसा है क्या नील मीटिंग ओके एक मिनट सिद्धू जी आप ही बता दीजिए नहीं नहीं सिद्धू जी को मत बोलो वो बोलेंगे नील मीटिंग मितेश गुरु एक और नवा नाम जुड़ जाएगा मैं कर लेता हूँ एक मिनट ये अभी मैं लास्ट में पूरा फाइनल कर रहा हूँ ये कोई कुछ बोलेगा नहीं पिन ड्रॉप साइलेंट मंगता कोई मुझे चू भी नहीं करेगा फिंगर ऑन योर लिप्स लेट मी कॉन्सेंट्रेट एक मिनट नील मिटिन नहीं नहीं अभी नहीं आई एम सॉरी अभी ये गलती से हो गया था नील नितिन आगे याद है भाई बस नील नितिन मिकेश रॉन्ग हाँ ठीक है वो उसका था यार पार्टी यार मेरा अभी तक पार्टी चालू थी मैं उधर से ही आ रहा हूँ इधर अभी हाँ मजा तो आया भाई बोल ये लीजिए ठीक है पानी पानी हैंगओवर पानी से अपने क्या है देखिए चलिए सर अभी चीज ऐसा हो जाए कि आप डांस सिखा दीजिए और ये बदले में आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे ठीक है पहले मैं बदला ले देता हूँ मतलब पहले मैं एस्ट्रोलॉजी कर देता हूँ क्या करेंगे एस्ट्रोलॉजी नहीं वापस बोलिए ना क्या एस्ट्रोलॉजी बोलने अरे वैद्य ही क्या जानबूझ के अभी ऐसा करेंगे क्या नाम भी भूल गया वैद्य ही कहाँ से हो गई मैं बम्बल होता है कभी मुझे ऐसा भाई बैठ के टंबल कर और डंबल भी कर देखो मेरा पहले कर ले दो मैं आइए 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 अरे भाई बैठो ना बैठो ना आप बैठो कैसे मैं बैठ गया तो उठने का तकलीफ होता है हाँ हाँ हाथ दिखाओ भाई कौन सा हाथ राइट हैंड राइट अरे वाह कड़क आते रहे एकदम अरे भैया क्या आप यहाँ कहाँ बैठे हो भैया तो इधर बैठूं अभी तक तो आपका बहुत बड़ा शो आना चाहिए था सोनी टीवी पे कॉमेडी शो आ गया सोनी पे सुहागा हो जाता था अरे बाबू ये वही शो है आ गया देखा इसको बोलते हैं एडिक्शन रुको रुको और भी आगे और भी भाई इतना तुमको अभी सक्सेस मिल रहा है क्या मिल रहा है कामयाबी कामयाबी अच्छा कामयाबी इतना तुमको सक्सेस मिल रहा है तो थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा भाई किससे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्या सैक्रिफाइस मतलब सैक्रिफाइस कुर्बानी देनी पड़ेगी क्या मतलब क्या करना पड़ेगा कुर्बानी ये करनी पड़ेगी रात को 1 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाने बस बस और मत बोलिए ऐसे चलो बाकी थैंक यू अभी के लिए 60 रुपए ले लो 60 आपको फ्यूचर पता है लोगों का बताते हैं आप अपना और आपकी गर्लफ्रेंड का फ्यूचर पता है आपको क्या है ये तो खुद के जूड़े के नीचे आके मर जाएगी बाबू हम अपने बारे में बाद में जाके बात करें अपन एक काम करते हैं थोड़ा डांसिंग वांसिंग करते डांस हो जाए डांस हो जाए गाना लगाओ ना जोंगट बिंगट लगाओ ना थोड़ा क्या अरे ऐसा रहेगा तो मैं नहीं खेल रहा हूँ यार ये डांस करने को बोल रही थी पहले बोला मैं घूम के आऊंगी आई ही नहीं चले मैं तुम्हें पीछे जाके घुमाती हूँ चले थैंक यू सो मच सेलिब्रिटीज चलता हूं थैंक यू वेरी गुड
funny. Sanket. He's a doctor. Idhar aa bhai, tumhari tareef badi ho rahi hai. But he's very good. Have you seen him? Well done, well done. Sanket, superb. Good, huh? Thank you. Very good. Yeah. Sanket, you're very good, man. Thank you so much. Superb. Sanket, very good. You're very good. Very good. Very good. Very good. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.